If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FMs Bawarchi khana. तो आज क्या बनने वाला है हमारे बावर्ची खाना में, तो आपको बताते चलूँ, आज हमारे बावर्ची खाने में बनेगा स्पेशल रमज़ान पकोड़े. रमज़ान की जो खसूसियत है पकोड़े, जो कि हर दस्तरखान की जान है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी. और ये किस तरह बनेंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी अभी. इसके लिए हमें चाहिए, रमज़ान के लिए स्पेशल पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बेसन, जो कि है 3 से 4 टेबलस्पून. इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसे कि मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबा लंबा काट लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं. इसके अलावा हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और जो हमें मसाला जार चाहिए उसमें मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स. इसके अलावा हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून. हमें चाहिए होगा कुटा हुआ दानेदार जो धनिया होता है, वो हमें चाहिए 1/2 टीस्पून. इसके अलावा 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा चाहिए, 1/2 टीस्पून के बराबर अनार दाना चाहिए. हमें चाहिए धनिया 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा हमें 1 अदद हरी मिर्च चाहिए, जिसको मैंने चॉप करके छोटा छोटा कर लिया है. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर रेसिपी. तो सबसे पहले 1 अदद बाउल में हमने डालने हैं प्याज, इसके बाद हमने डालने हैं इसमें आलू, 1 अदद आलू मैंने लिया था. इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हमारे मसाला जार, जिसमें के शामिल हैं कुटा हुआ धनिया पाउडर, साबुत धनिया जो होता है मैंने उसको डाला है. इसके अलावा अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर, अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स एंड रेड चिली पाउडर. अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून. आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है नमक इसमें ऐड कर सकते हैं. अब मैं इसमें डालूंगी अनार दाना. अनार दाना आप कूट के डाल दें, ऐसे साबुत डाल दें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है. इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, हरी मिर्चें, धनिया. अच्छे से इसको डाल लें. सारे मसाले डालने के बाद आपने एंड पे इसके अंदर बेसन शामिल करना है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन, 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन डाल के. हाथों से आप मिक्स करें, इससे ये होगा कि हाथों से जो आप चीज़ बनाते हैं ना, उसका जायका भी अच्छा आता है, क्योंकि आपके हाथ का जायका इसमें शामिल हो जाता है. और हाथ जो है वो अच्छे से सफाई का ख्याल रखें, धो के बनाएं. इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी. पकोड़ों का बैटर जो है मैंने तैयार कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है. इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है. रेस्ट देने के बाद जब भी आप बनाने लगें, आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि टिप ये है कि आप जब पकोड़ों को फ्राई करने लगें, तो इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दें. इससे ये होगा कि आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे. तो अभी मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देती हूँ, और 15 मिनट्स के बाद आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी. ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है. मिक्सचर में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का जो है वो ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है. थोड़ी देर बाद जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसके पकोड़े बनाएंगे. ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम पकोड़े डालेंगे. देखें, इस तरह से हम पकोड़े डालते जाएंगे. इस तरह से हम सारे डाल लेंगे. देखें, पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं. इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करूंगी और फिर से डिश आउट करूंगी. और राइट फ्रेंड्स, मैंने सारे पकोड़े जो हैं वो तल के डिश आउट कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. और इसको आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं. इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, और अगर इसके अलावा आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. Allah Hafiz, and thank you so much for watching.